ऑल बीटीसी डीईएलईडी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के दर्जनों छात्रों द्वारा संविदा और विनियमितीकरण 2020 प्रस्ताव को वापस लेने के हेतु एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम दिया गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा एक सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई है, जिसमें कहा गया सरकार एक नया प्रस्ताव ला रही है जिसके तहत समूह के माध्यम से संविदा कर्मियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के अंकों के आधार पर सरकारी नियुक्ति दी जाएगी और यह नियुक्ति सरकारी कार्यालय में 5 वर्ष तक कार्य करने के बाद दी जाएगी। छात्रों का कहना है कि इस तरह से कर्मचारियों को सुरक्षा, भ्रष्टाचार व शोषण से गुजरना पड़ेगा। इस तरह से 5 वर्ष तक मूल्यांकन छात्रहितों की दृष्टिगत यह निर्णय उचित नहीं है। अभिषेक शर्मा, ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन से प्रदेश महासचिव। आज मैं यहाँ अपने सभी साथियों के साथ में सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए आया हूँ कि सरकार जो संविदा काला कानून लेकर आने वाली है उसका जो प्रस्ताव अभी जारी किया गया है उसके बारे में हमें समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से ज्ञात हुआ है। हमारा निवेदन है सरकार से कि ऐसे वाहियात कानून ताकि छात्रों को हित में जो नहीं है उन्हें जारी ना करें, और संविदा जो है वो छात्रों में एक भय का माहौल पैदा कर रहा है। इससे कर्मचारियों में असुरक्षा, भ्रष्टाचार और शोषण का सामना इनको करना पड़ेगा। और आज के समय में चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें आपको पास करना है तो 2 से 3 पड़ाव पहले से ही हैं। अब 2 से 3 पड़ाव पार करके कोई कुशल व्यक्ति, योग्य व्यक्ति ही विभाग में जा सकता है। जब विभाग में वो जा रहा है तो उसकी कुशलता पहले ही परख ली जा रही है, उसके बाद में फिर ये शोषण क्यों हो रहा है? इसी मांग को उठाते हुए आज हम सभी यहाँ आए हैं और सरकार को हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि इसको वापस ले लें ताकि हम सभी का भला हो सके। हमें बेरोजगारी जैसे जैसे समय देश में हाल है इस समय उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, और ज़्यादा इसको बढ़ाएं ना, बल्कि इसे रोकने के लिए छात्रों को भविष्य के लिए, सुदृढ़ भविष्य के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि हम सभी को नौकरी जल्दी से जल्द मिल सके। तो हमारी मांग यही है कि पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। और दूसरा, चाहे आप किसी भी व्यवस्था की देखिए, SSC हो, रेलवे हो, चाहे हमारे शिक्षक विभाग हो, सभी विभागों में या कोई पुलिस विभाग, अगर आप संविदा कर देंगे तो जो हमारे सीनियर अधिकारी होंगे वो कहीं ना कहीं हम लोगों का, कर्मचारियों का, सभी का शोषण होगा और हम सभी में असुरक्षा पैदा होगी। इसलिए मैं BT संगठन की ओर से मांग करता हूं कि इस कानून को न लाया जाए और इस प्रस्ताव को यहीं खारिज कर दिया जाए। धन्यवाद।